ब्रॉट टू यू बाय इन्फिनिक्स। सस्पेंडेड आईएएस अभिषेक सिंह ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। अभिषेक सिंह ने गुजरात विधानसभा में ऑब्जर्वर की ड्यूटी के दौरान कार के आगे फोटो खिंचवाकर सोशल मीडिया पर डाल दी थी। इस पर योगी सरकार ने कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया था। अभिषेक सिंह फरवरी 2023 से निलंबित चल रहे थे और अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी की तर्ज पर आईएएस बने अभिषेक सिंह की सोशल मीडिया पर जबरदस्त भौकाल है। इंस्टाग्राम पर 30 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स वाले अभिषेक सिंह हैं कौन, उनकी कहानी क्या है और अब उन्हें अपनी नौकरी से इस्तीफा क्यों देना पड़ा, सब बताएंगे इस वीडियो में। अभिषेक सिंह 2011 में यूपीएससी क्लियर कर आईएएस बने और अफसर बनने की ये कहानी भी एकदम फिल्मी है। शादी में ज़रूर आना में सत्तू की तरह ही अभिषेक को प्यार में धोखा मिला, ऐसा उनका कहना है। वो इतना टूट गए थे कि आत्महत्या तक के ख्याल आते, लेकिन बाद में जैसे तैसे खुद को संभाला, फिर यूपीएससी की तैयारी में जुट गए। तैयारी ऐसी करी कि सीधे परीक्षा पास कर आईएएस बन गए। लेकिन उनका एक शौक और था जिसे उन्होंने आज तक बरकरार रखा, म्यूजिक और एक्टिंग। उन्होंने बी प्राक के साथ दिल तोड़ के गाने में काम किया जो 2020 में रिलीज हुआ था। फिर जुबीन नौटियाल के म्यूजिक एल्बम तुझे भूलना तो चाहा में भी काम किया। इसके अलावा नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई वेब सीरीज दिल्ली क्राइम के सीजन 2 में भी वो अहम रोल में नजर आए। अभिषेक एक शॉर्ट फिल्म 4-15 में भी नजर आए थे, जबकि इसी साल मार्च में ऑफिसर से एक्टर बने अभिषेक। गीतकार जानी के लिखे और हाडी संधु के गाए गाने याद आती है में अपनी अदाकारी दिखा चुके हैं। तैयारी के दौरान उनकी मुलाकात 2009 बैच की आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल से हुई। एग्जाम क्लियर करने के एक साल बाद अभिषेक ने उनसे शादी कर ली। दुर्गा शक्ति नागपाल भी अभिषेक की तरह ही एक चर्चित आईएएस अफसर हैं। सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बन रहे मस्जिद की दीवार पर उन्होंने बुलडोजर चलवाया था, जिसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उन्हें सस्पेंड कर दिया था। खैर, वापस लौटते हैं अभिषेक सिंह की स्टोरी पर। आईएएस बनने के बाद अभिषेक की ज्वाइनिंग उत्तर प्रदेश कैडर में हुई। फिर 2015 में उन्हें 3 साल के लिए दिल्ली कैडर भेजा गया। 2018 में प्रतिनियुक्ति 2 साल के लिए और बढ़ा दी गई। इस दौरान उन्होंने 2 साल के लिए मेडिकल लीव ले ली। फिर 19 मार्च 2020 को दिल्ली सरकार ने उन्हें वापस यूपी कैडर ही भेज दिया। लंबे वक्त तक अभिषेक ने यूपी में ज्वाइनिंग ही नहीं की। 30 जून 2022 को जाकर उन्होंने उत्तर प्रदेश में ज्वाइनिंग ली। इसके बाद गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए यूपी सरकार ने प्रेक्षकों की लिस्ट भेजी, जिसमें अभिषेक का नाम भी शामिल था। अभिषेक ने काम को ज्वाइन कर लिया, लेकिन इलेक्शन कमीशन की कार के साथ फिल्मी हीरो की तरह पोस्ट करते हुए फोटो डाल दी। कैप्शन में लिख डाला कि अहमदाबाद में ड्यूटी लगी है। फोटो वायरल हो गई और फिर उन्हें प्रेक्षक के पद से हटा दिया गया। आयोग ने कहा कि प्रेक्षक का काम जिम्मेदारी वाला है, कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं। इसके बाद से ही वो बिना छुट्टी लिए गायब हो गए। इसके बाद योगी सरकार ने 7 फरवरी को उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए सस्पेंड कर दिया। इस बारे में इंडिया टुडे ने अभिषेक से उनका पक्ष पूछा तो जवाब आया कि इस बारे में सीएम योगी से मुलाकात करने के बाद बात करेंगे। खैर, अब उनके इस्तीफे के बाद अटकलों का बाजार गर्म है कि शायद वो राजनीति का रुख कर नई पारी की शुरुआत करें। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। इस खबर पर क्या है आपकी राय में कमेंट सेक्शन में बताएं। आपके लिए जानकारी जुटाई थी हमारी साथी सोनल ने। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। चुनाव आते हैं तो सिर्फ राजनीति नहीं होती, होता है लल्लन टॉप अड्डा। राजस्थान की राजनीति के सब हाल जानने नेताओं के साथ बैठेंगे जयपुर में, पर सिर्फ पॉलिटिकल बातें नहीं होंगी, म्यूजिक का गठबंधन होगा। स्टार्टअप के धुरंधर बताएंगे कैसा है तरक्की का माहौल, होगी नौजवानों के हक की बात और आखिर में बटेगा कॉमेडी का प्रसाद। तो फिर देर किस बात की, पधारो मारे अड्डे। लल्लन टॉप की ऐप या वेबसाइट के जरिए आप कर सकते हैं इस उत्सव के लिए रजिस्ट्रेशन।